So the advice is, why should only girls have the fun? Men's skin also deserves to be look better. So men should always also think about investing in their skin. मैं हमारे मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, स्किन केयर इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट. इवन मेन शुड डू दैट. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्किन इंस्पायर्ड, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट से. मेरा नाम है पीयूष जैन, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्किन इंस्पायर्ड एंड योर गेम. आज हम आए हैं रेडियंट स्किन एंड ईएनटी क्लिनिक जयपुर पे और हम बात करेंगे डॉक्टर विशाल चुग से, जो कि डर्मेटोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है. इनके एडवांस प्रोसीजर्स जैसे कि लेजर्स, कार्बन पील, बोटॉक्स, फिलर्स काफ़ी पॉपुलर हैं और आज हम उनसे जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते थे इंडियन मेन की स्किन केयर के बारे में. तो बने रहिए मेरे साथ. हेलो सर, वेलकम टू स्किन इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए हमारे चैनल पे. माय प्लेजर सर. आज हम बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में जो एटलीस्ट इंडिया के 50% पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्किन केयर फॉर मेन की. आज हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या करें कि हमारी स्किन भी आपकी तरह यूथफुल और ग्लोइंग लगे. See, I am also happy to answer this all these questions. What I am experiencing in my last 10 to 12 years of practice, recently most men have joined the race of beauty. They are started coming us for enhancement of the facial features. Sundarta ek pemana ban gaya society ka, so men are also catching it. Ab isme conventionally difference ye hai ki men ki skin generally thicker skin hoti hai. By thicker skin I mean females ki comparison mein 20 to 25% males ki skin thick hai. मेल्स की स्किन ऑयली ज़्यादा होती है, सीबिशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, पोर्स ज़्यादा होते हैं और मेल्स में कोलेजन भी ज़्यादा होता है. कोलेजन एक निचली परत है स्किन की जो टाइटनेस प्रोवाइड करती है, तो इसलिए मेल्स की स्किन को जनरली हम टफर या थिकर स्किन मान के चलते हैं. तो सर इसका इम्प्लीकेशन क्या है स्किन केयर के अंदर, जो रूटीन होता है मेल वर्सेस फीमेल, क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं मेन के लिए, क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? सो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो मेन और वीमेन में है कि मेन स्किन हैव हेयर्स, तो हमें रोज शेव भी करना है, हेयर्स को मेंटेन भी करना है, तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट रेंज ऑलमोस्ट सब कुछ डिफरेंस हो जाता है. सी व्हेन यू आर शेविंग एवरी डे, सी एक स्टडी ने ये पाया है कि नॉर्मल अमूमन एक एवरेज लाइफ में एक मैन 16,000 बार शेव करता है. नाउ यू सी दिस, व्हेन यू आर शेविंग योर अपर लेयर्स ऑफ द स्किन, तो आपकी स्किन में सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो आइडियली यू शुड यूज गुड प्रोडक्ट्स. बट एक बहुत अच्छी बात यह है कि मेन की स्किन में कॉलेजन ज़्यादा होता है, तो मेन की स्किन एज लेटर होती है, बट होती है तो बहुत ज़्यादा होती है. तो जनरली हमें दोनों का सामंजस्य बना के चलना पड़ता है कि मेन स्किन ऑल्सो रिक्वायर्स ऑल द केयर्स. दे रिक्वायर मॉइस्चराइजर, दे रिक्वायर सनस्क्रीन, दे रिक्वायर एंटी एजिंग क्रीम्स. बट मेन की स्किन सिंस ऑयली ज़्यादा होती है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइट टच होने चाहिए. इट कांट बी रिच और वेरी ग्रीजी प्रोडक्ट्स. That can occlude the pores. So lighter products should be choice in men's skin care routine. सर तो अगर मार्केट में देखा जाए तो जनरली जेंडर बायस्ड मार्केटिंग होती है कि देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा पैकेजिंग में डार्क होते हैं और मैस्कुलिन होते हैं और कहते हैं कि ये फॉर मेन है, एंड देन देर आर प्रोडक्ट्स विच आर स्टीरियोटिपिकल पिंक एंड यू नो लाइटर कलर्स सेइंग कि दीज आर फॉर वुमेन. सो एसेंशियली फॉर्मुलेशन में क्या कोई बेसिक अंतर होता है मेन और वुमेन की स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन में? सी इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि आजकल आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाइए, एक बच्चे का जन्म होता है, लड़के का जन्म हुआ है तो ब्लू गुब्बारा लगाएंगे, फीमेल्स का जन्म होता है तो पिंक गुब्बारा लगाएंगे. सो दैट इज जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स. जनरली पिंक हैज बीन एसोसिएटेड विद, या लाइटर कलर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद फीमेल सेक्स. बट ऑन एन एवरेज व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रूटीन, जैसे मैंने बताया, सिर्फ मेन के प्रोडक्ट थोड़े से लाइटर होने चाहिए, स्पेशली जिनका ऑयली स्किन है, ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा हैं टीनेज में कंपेयर टू द फीमेल्स. उसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों चीजों में नहीं है. ऑलराइट सर, तो बिफोर वी गेट इनटू स्किन केयर रूटीन, जैसा आपने कहा कि मेन हैव वन बेसिक डिफरेंस कि हेयर होते हैं स्किन पर एंड सम मेन प्रिफर टू शेव व्हाइल अदर्स डोंट, तो इन दोनों केसेस में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर फेशियल हेयर है तो अगर शेविंग करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड केयर कैसे करना है? सो देखिए, व्हेन यू शेव इट रेगुलरली तो देर आर चांसेस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रेजर बम्स,
जो शेविंग के बाद छोटे छोटे दाने हो जाते हैं स्किन को, उसको हम रेजर बम्प्स बोलते हैं। आप इतना रेगुलरली शेव करते हो तो स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है शेविंग करते समय आपका जो रेजर होता है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स होता है। हम लोग जब बाहर बार्बर पे या सलून्स पे शेव करवाते हैं तो जनरली क्लीनर लुक देने के लिए हम डायरेक्शन ऑफ अपना रेजर चेंज कर देते हैं। आइडियली इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी अलोंग द प्लेन ऑफ द हेयर्स। सेकेंडली, आप शेव करने से पहले थोड़ा मॉइस्चराइज करिए स्किन को। शेविंग क्रीम्स जो आती हैं उनका यूज मैंडेटरी है, और आपके जो ब्लेड्स होने चाहिए जनरली प्रेफर सिंगल ब्लेड हो, और बहुत ज्यादा दिन तक आपको उससे शेव नहीं करनी। ऑन एन एवरेज एक सिंगल ब्लेड से आपको 4-5 दिन शेव करना चाहिए, सो दैट 4-5 बार शेव करना चाहिए सो दैट यू डोंट लैंड अप इन रेजर बम्प्स। दूसरा, सिंस हमारी स्किन ऑयली है तो हमें एक्ने प्रोन स्किन होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्ने ऐसा देखा गया है मेल्स में ज्यादा है कंपेयर टू द फीमेल, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन इन टर्म्स ऑफ ऑयल कंट्रोल एज वेल। तो आपको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस यूज करने चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है, उसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। सर, आपने जैसा बोला सिंगल ब्लेड रेजर यूज़ करना चाहिए, उससे मुझे याद आया, मैं भी एक्चुअली 3-ब्लेड रेजर यूज़ करता था और इवेंचुअली 5-ब्लेड तक पहुंच गया था, एंड देन हेयर इन ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। तो इन चीज़ों का सर कैसे ध्यान रखना है? एब्सोल्युटली, हम जब रेगुलरली शेव करते हैं तो आपके जो बाल की जो लेंथ है वो छोटी लेंथ है, और स्पेशली आपके थिक बाल हैं या कर्ली बाल हैं तो मुड़ने के चांसेस रहते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर पहुंच जाते हैं जिसको हम इनग्रोन हेयर्स बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को जनरली शेविंग लेस ऑफन करना चाहिए, बालों को थोड़ा ग्रो होने देना चाहिए। आप बालों को ग्रो होने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर मुड़ने के चांसेस उनके और कम हो जाएंगे। तो आप क्लोजर शेव्स नहीं करके, और जैसे मैंने बोला सिंगल डायरेक्शन में जाइए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका इनग्रोन करवाने के लिए। ग्रेट सर, और अगर बात करें बियर्ड केयर की, तो अब तो मार्केट में बहुत से बियर्ड रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, बियर्ड हेयर ऑयल कलर्स, तो उसके बारे में सर। सी, एसेंशियली द हेयर्स ऑन द स्कैल्प एंड द बियर्ड आर द सेम, सो अगेन इट इज अ सेगमेंट व्हिच हैज बीन मार्केटेड वेल। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे कि ये हेयर ग्रोथ कराता है, बियर्ड की हेयर के लिए ज्यादा बेटर है, वैसा है। आइडियली इट इज नॉट द केस। द वे योर स्कैल्प हेयर बिहेव्स, द सेम आर द वे योर बियर्ड हेयर्स बिहेव्स। तो स्कैल्प को जो लुब्रिकेशन की जरूरत है, जो हेयर्स में हम सीरम्स यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, शैम्पूज यूज करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स यू कैन यूज ऑन योर बियर्ड। ग्रेट सर, आज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें आपसे पता पड़ रही है। इनफैक्ट मैं 10 साल से सेल्स में था और धूप में मैंने अपनी स्किन काफ़ी जलाई है, और अब जब मैं स्किन केयर को 3 साल से समझ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जैसे सनस्क्रीन लगाना मेरे को जो करना चाहिए था मैंने ढंग से किया नहीं, एक बेसिक क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग में करता था। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वॉट वुड बी दी आइडियल रेजिमेन फॉर मैन इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर। जी, आइडियल स्किन केयर रेजिमेन इन मेन एंड वेमेन इट इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट द सेम। ओनली थिंग इज कि हम मेल्स थोड़ा रफर लुक प्रेजेंट करते हैं, रगेड लुक प्रेजेंट करते हैं, एंड वी हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ ऑल थैंक्स टू दिस मेट्रोसेक्सुअल मेल्स, पीपल आर टेकिंग मोर केयर अबाउट देमसेल्स, स्पेशली द मेन, दैट इज अ गुड साइन। सो आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए आइडियली। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो आप माइल्ड क्लींजर्स, सोप फ्री क्लींजर्स आते हैं मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर, जो कि एक लाइट मॉइस्चराइजर होना चाहिए, एंड ओवर द टॉप ऑफ दैट अ सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। सिंस हम मेल्स बहुत लेजी और क्लम्सी हैं स्किन केयर रूटीन के मामले में, तो प्रॉब्ली आजकल बहुत सारी क्रीम्स हैं जिसमें सनस्क्रीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो सिंगल क्रीम कैन डू द थिंग। और रात को आपको एक एंटी एजिंग सीरम्स यूज करने चाहिए इफ यू आर मोर देन 30 इयर्स, इफ यू आर लेस देन 30 तो प्रॉब्ली विटामिन सी सीरम्स आपको रात को फेस वॉश करके यूज करना चाहिए। ग्रेट सर, और इस रेजिमेंट को जनरली कितने टाइम कंटिन्यू करने के बाद हम रिजल्ट्स देख पाते हैं? सी, अभी जो इतना मार्केटिंग का जमाना है, वी आर फ्लडेड विद सो मेनी ऑफ प्रोडक्ट्स, पीपल टेंड टू बाय विंडो शॉपिंग करके, ये आपने यूज कर लिया, 3 दिन यूज किया, नहीं इसका रिजल्ट नहीं आया, 6 दिन यूज कर लिया, इसका रिजल्ट नहीं आया। I always tell my patients, skin care is like gym. हमारा सबका मन होता है कि बॉडी बहुत अच्छी बन जाए, लेकिन आप जिम में कितना टाइम जाते हो, कितना टाइम कमिटमेंट देते हो, इट इज नॉट everyone's cup of tea. So ideally, आपका जो स्किन केयर रूटीन जो आपका रिजल्ट शो करता है, इट टेक्स मिनिमम 6 to 8 weeks. 2 महीने आप रेगुलरली लगाएंगे तब जाके कुछ उसमें डिफरेंस आना शुरू होता है, एंड इट शुड कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। देर इज नो शॉर्टकट टू अ गुड स्किन, है ना, देर इज नो मिराकल। हमारे पास कोई मैजिक वैंड नहीं है कि ये लगाया आपकी स्किन बहुत अच्छी हुई। फॉलो दी स्किन केयर रूटीन एंड गिव योरसेल्फ कमिटमेंट इन टाइम, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स।
काफ़ी लोग मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने लाइफ के 25-30 साल अपनी स्किन पे इतना ध्यान नहीं दिया, और अब जब रियलाइज होता है कि एक हेल्दी स्किन एट फॉरमोस्ट, चाहे ब्यूटीफुल लुक हो या नहीं हो, पर हेल्दी स्किन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो अपार्ट फ्रॉम द रेजिमेन, आर देयर सर्टन एडवांस प्रोसीजर्स विच कैन हेल्प देम किक स्टार्ट द जर्नी? See, apart from procedures, I'll like to cut you short here. Lifestyle changes are also very important. Skin is not something we can do just externally. See, we have lot of things हम externally करके आपको better कर सकते हैं, लेकिन at the end of the day आपका lifestyle कैसा है, how much hours of sleep you are taking, आप exercise करते हो कि नहीं, आपका खान पीन कैसा है, आपका water intake कितना है, और आप जंक फूड में तो नहीं है, आप स्मोकिंग में तो नहीं है, आप अल्कोहल में तो नहीं है. सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आल्सो हैज अ रोल अपार्ट फ्रॉम स्किन केयर रूटीन. स्किन केयर रूटीन और लाइफस्टाइल आप फॉलो करोगे तो मोस्ट ऑफ दिस लोगों की स्किन अच्छी हो सकती है. बट इफ़ यू हैव डैमेज स्किन, आपने जैसे आपने पहले बताया आपने केयर नहीं किया, तो वी हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स, लेजर्स, फेशियल रिजुविनेशन, PRPs, विच कैन हेल्प यू इन returning your damaged skin to a normal skin on a long term basis. और बहुत अच्छे से ये सारे procedures आपके skin को better कर सकते हैं. But I'll always try to stress on a point कि please see a dermatologist for that. Never fall in trap of the so-called cosmetologist these days. So dermatologists are your true skin care and hair care expert. आपकी कोई भी problem है तो आप उनसे मिलिए, they will definitely have a solution for your skin. Definitely sir, dermatologist ne 8 साल study किया है skin को minimum and then they are practicing, and that is the precise reason कि हम popular dermatologist को अपने channel पे invite करते हैं, जिससे हमारे viewers best और most credible information ले सकें. Alright sir, so मेरा एक और question है particularly उन men के लिए जो अपनी body को लेके ज़्यादा conscious हैं और इसलिए regularly exercise करते हैं, gym जाते हैं, तो क्या उनको किसी चीज़ का ध्यान रखना है right from let's say they consume protein regularly to skin care, क्योंकि sweating ज़्यादा होती है, तो anything? See, one good benefit of caring for yourself, अगर आप एक aspect पे care कर रहे हैं, suppose आप exercise कर रहे हैं, तो definitely most of the people will also take care of your diet. So it is always an added advantage. तो आप double whammy में आ ही चुके हैं कि आपका overall आप exercise कर रहे हो तो body tone हो रही है, metabolism अच्छा हो रहा है, तो thankfully आपके skin को भी अच्छा होने के chances और बढ़ जाते हैं. But when you exercise, make it a point, post exercise you need to use good skin care routine. आपका जैसे स्वेट होता है तो उसको ज़्यादा देर आपके फेस पे नहीं रहने दें. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ आफ्टर जिम, दे विल बी सिटिंग समवेयर, कुछ चाय पी रहे हैं या गपशप कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इमीडिएटली आफ्टर योर जिमिंग इज टेक अ शावर. ठीक है, आपके जो ऑयल है, जो आपका स्वेट है, आपके स्किन पे जब ज़्यादा देर है तो वो स्किन को डैमेज कर सकता है, क्लॉग कर सकता है. और हाइजीन पार्ट पे आपको जो टॉवल्स आप यूज करते हो ऑन रेगुलर बेसिस इन द जिम, दैट शुड बी ऑल्सो क्लीन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर आप इतना ध्यान देंगे तो ओवरऑल आई थिंक स्किन इज गोइंग टू डेफिनेटली बिकम मच मच बेटर देन व्हाट इट इज. ऑलराइट सर. सर, एनी लास्ट मिनट टिप्स, ट्रिक्स एंड एडवाइसेस फॉर अस? सो द एडवाइस इज व्हाई शुड ओनली गर्ल्स हैव द फन. मेन स्किन ऑल्सो नीड्स टू बी, डिजर्व्स टू बी लुक बेटर. सो मेन शुड ऑलवेज ऑल्सो थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन देयर स्किन. मैं हमारे मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, स्किन केयर इज नॉट एन expense, it is an investment. Even men should do that. Great sir. Once again sir, thank you so much for giving us your time, and I really hope ki aapki tips se meri skin bhi aapki tarah ho sake. Thank you Mr. Piyush. Thank you. Pleasure is mine.